The question is trial balance of a business as at 31st March 2018 is given below. तो आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है और क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस के नीचे वाला लाइन बोलता है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. तो लिखो इन द बुक्स ऑफ डैश डैश ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 और डेबिट क्रेडिट साइड बनाओ क्योंकि दिस इज अ लेजर विद पर्टिकुलर्स रुपी सिंबल्स इन बोथ द साइड्स. तो स्टार्टिंग पॉइंट है टू बाय सेल्स. क्रेडिट साइड में क्रेडिट कॉलम में ट्रायल बैलेंस का सेल्स दे रखा है तो हम लिखेंगे सेल्स क्रेडिट आइटम 227,800 और डेबिट कॉलम में दे रखा है. डेबिट कॉलम में दे रखा है सेल्स रिटर्न्स और यू कैन से रिटर्न्स इनवर्ड लेस इनवर्ड 900 माइनस करके बाहर लिखो 226,900. देन क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 7,000 ट्रेडिंग के बाय में आएगा क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,000 और डेबिट साइड में सारे खर्चा आएगा. खर्चे के अंदर आपके सारे इवन से डेबिट साइड का जो खर्चा होता है फैक्ट्री का सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017 25,000 ओपनिंग स्टॉक दे रखा है. ओपनिंग स्टॉक पहले 25,000 आएगा देन परचेजेस आएगा 1,20,000 लेस रिटर्न्स आउटवर्ड नॉट रिटर्न आउटवर्ड्स गलत है उसको ठीक करो. रिटर्न्स आउटवर्ड 1,000 माइनस करो क्योंकि परचेजेस डेबिट कॉलम में दे रखा है रिटर्न्स आउटवर्ड क्रेडिट कॉलम में दे रखा है इसको माइनस करके आएगा 1,19,000 1,19,000. देन एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में आएगा टू वेजेस 12,000 वेजेस आपके खर्चा है वेजेस और वेजेस आपके फैक्ट्री का खर्चा है 12,000 वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 2 और लिखा है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर वेजेस वेयर 600 तो 2 वेजेस 12,000 एड आउटस्टैंडिंग वेजेस एड वेजेस आउटस्टैंडिंग 600 कुल मिला के ये हो गया 12,600 इन द फाइनल कॉलम इट इज 12,600 वेजेस 12,000 एड वेजेस आउटस्टैंडिंग 600 दोनों को मिला के हो गया 12,600 और क्रेडिट साइड का टोटलिंग करो दैट इज कमिंग टू बी 233,900 उसको डेबिट साइड का टोटलिंग में उसको ट्रांसफर करो 233,000 उससे ये तीनों माइनस करो 25,000 1,19,000 और 12,600 डिफरेंस और गैप इज प्रॉफिट कैरिड डाउन ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन इज लाइक दिस द डिफरेंस 77,300 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ या इसी को एक्सटेंड करो और जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसको क्रेडिट साइड में लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन दैट इज ब्रॉट डाउन दैट इज 77,300 ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस का कमाई क्या है इनकम का कितना है दैट इज बाय कमीशन क्योंकि भाई कमीशन क्रेडिट में दे रखा है यू कैन सी आपका जो कमीशन है ना वो क्रेडिट कॉलम में सेकेंड आइटम पे दे रखा है दिस इज कमीशन क्रेडिट मतलब कमीशन इनकम हो रहा है हमारा कमीशन डेबिट मतलब कमीशन हमारा खर्चा हो रहा है हम पे कर रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट कमीशन है तो क्रेडिट में आया. नेक्स्ट वन इज डेबिट साइड में टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 तो इंश्योरेंस प्रीमियम का एडजस्टमेंट पढ़ते हुए आप देखोगे तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम अंदर वाले कॉलम में लिखो 1,500 क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है लास्ट एडजस्टमेंट 5 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 200 रुपए तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 लेस पेड इन एडवांस या लेस अनएक्सपायर्ड 200 लेस पेड इन एडवांस और लेस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 200 1,500 से 200 माइनस करके 1,300 लिखो फाइनल कॉलम में टू इंश्योरेंस 1,300. नेक्स्ट वन इज टू सैलरीज 20,000 सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट 2 सैलरी इज आउटस्टैंडिंग 1,400
तो सैलरी जी 20,000 के साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1400, और इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में करेंट लायबिलिटी में दिखाना होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400, दोनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में दिखाओ 21,400। नेक्स्ट वन इज टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200, खर्चा पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200, टू टेलीफोन चार्जेस 2400, टू जनरल एक्सपेंसेस 3000, टू पोस्टेज एक्सपेंसेस 1800, टू डेप्रिसिएशन ऑन, इसमें देखो डेप्रिसिएशन किस किस पे है, प्रोवाइडेड एट द 5% ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स, तीन फिक्स्ड एसेट्स है। वन इज योर मशीनरी 1,40,000 का 5% 7,000, और दूसरा है 10,000 का 5% 6 महीने के लिए, ये 6x1 नहीं 6x12 करो। तो मशीनरी का तो 1,40,000 का 5% होता है 7,000, उसके क्या एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट 4 इंक्लूडेड इन प्लांट एंड मशीनरी इज ए स्मॉल मशीन परचेज्ड फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2017। टोटल 1.5 लाख का मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना नहीं है, 1,40,000 पे पूरे साल का, बाकी जो 10,000 का है उसका 6 महीने का, क्योंकि उसका मैंने पहले तो उसको ये ना इकट्ठे पटा करने वाला था ऊपर वाले के साथ, बट नहीं हो पाया। ये दोनों का पटा अलग अलग होगा, अलग अलग मतलब अलग अलग, एक तो 1,40,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा और 10,000 के ऊपर 6 महीने का, दोनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में दिखाना है। और किस किस के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा, और कौन कौन फिक्स्ड एसेट है, एक तो होता है फर्नीचर 8,000 का 5% दे रखा है, दूसरा होता है आपके टोटल नीलम टोटल जो टोटल डेप्रिसिएशन है 7,650। और अभी क्या है, देर आर सम अदर आइटम्स जो आप ढंग से पढ़ो और देखो, दैट इज बैड, ओनली वन आइटम लेफ्ट बैड डेट, ये हो गया सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे आइटम पोस्ट हो गया। क्रेडिट साइड अगर बड़ा होगा तो ग्रॉस नेट प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड बड़ा होगा तो नेट लॉस आएगा। तो लेट स्टार्ट, क्रेडिट साइड टोटल करो, इट इज 77,800, उसको डेबिट कॉलम में लिखो 77,800, उससे सारे माइनस करो खर्चा, माइनस करके जो आएगा ये होगा टू नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन, टू नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन, दिस इज नेट प्रॉफिट को नीचे लाने के लिए ये के मशीन है, टू नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन 38,050। ये तो उसका भी, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दैट, तो उसके जो 38,050 ये आपके ग्रॉस नेट प्रॉफिट आया, इसको लेके हम बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट आ जाए 31 मार्च 2018 करो, फॉर्मेट में लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट लिखो, और एसेट साइड में स्टार्ट करो एसेट साइड से करेंट एसेट, इसके नीचे लिखो कैश इन हैंड 2500, तो कैश इन हैंड 2500 है करेंट एसेट के नीचे, कैश एट बैंक 40,000, 30,000 कोई एडजस्टमेंट है नहीं, बैड डेट है बट एडजस्टमेंट में नहीं है, इट इज इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इसलिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, स्टॉक एडजस्टमेंट है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आया था और करेंट एसेट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक 7,000 दो जगह पे, प्रीपेड इंश्योरेंस दो जगह पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में इंश्योरेंस से माइनस हुआ था, अभी प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में आएगा। देन फिक्स्ड एसेट्स, इसके अंदर आएगा प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, लेस डेप्रिसिएशन दोनों को इकट्ठे माइनस करो 7,250, फाइनल कॉलम में लिखो दिस इज 142,750। देन करेंट एसेट में नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट में नेक्स्ट आइटम होगा फर्नीचर 8,000, फर्नीचर से लेस करो डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 400 जो कि आपको पता है, और फाइनल कॉलम में लिखो 7,600, और एसेट साइड टोटल करो दिस इज 2,30,050 रुपीज। लाइबिलिटी कॉलम में लिखो करेंट लाइबिलिटीज डेटर्स 40,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,400, देन आउटस्टैंडिंग वेजेस 600, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड कैपिटल में ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस ये एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड हुआ और लाइबिलिटी साइड में आया, दोनों आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग वेजेस। देन नेक्स्ट कैपिटल 1,50,000, ऐड नेट प्रॉफिट 38,050, दोनों को ऐड करके फाइनल कॉलम 1,88,050।
लायबिलिटी साइड को टोटल ऐड करके लिखो 2,30,50। दिस इज द टोटलिंग ऑफ द लायबिलिटी साइड। देखो दोनों मैच कर रहा है, एसेट लायबिलिटी बोथ आर मैचिंग। अगर दोनों साइड मैच करता है तो आपके आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारे करेक्ट है। एंड दिस शुड बी द फाइनल आंसर, क्योंकि इसके बाद तो और कुछ है नहीं, हमने टोटल कर दिया। एंड द टोटल इज टैलिंग, अगर आप टोटल एक ही बार में टैली कर गया तो बहुत अच्छा है। यू कैन सी इट एंड दिस इज द फाइनल आंसर।